मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ फ़ोन्स में एंड्रॉयड 11 बीटा भी अवेलेबल है, जिसमें पिक्सल का 2 से लेकर पिक्सल 4 एक्सेल तक पूरा सीरीज आ जाता है, और वन प्लस का 8 और 8 प्रो के लिए अब भी अवेलेबल है। बहुत अच्छा बात है वन प्लस के लिए। और आप जाके इस मंथ में आपको ओप्पो का फाइंड X2 और X2 प्रो और आपको रियलमी का X50 और आपको मिल जाता है पोको का F2 और जो अभी लॉन्च हुआ था IQ का पहला सीरीज फ़ोन का, और वीवो का नेक्स्ट में भी आपको नया लेटेस्ट वाला में मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 का बीटा। और इसी मंथ में मिलेगा जून में, बहुत अच्छा बात है आपको ये सब फ़ोन में एंड्रॉयड 11 बहुत फास्ट मिला और बहुत सारे अपग्रेड्स के साथ तो नहीं आ रहा है एंड्रॉयड 11, लेकिन कुछ बहुत अच्छे फीचर्स और हैंडी फीचर्स जो आपको अच्छा लगेगा एंड्रॉयड 11 में। सो आप चेकआउट करना चाहते हो तो जाके चेकआउट कर लो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी अपग्रेड करो क्योंकि बहुत सारे बग्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स 1 मिनट, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स, डेली 2 वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।